ट्रेनें हो गई रद्द। महाजाम से लोग परेशान, जगह जगह दंगे और फसाद। अग्निपथ के तूफान से हर कोई बेहाल। इन सब मुश्किलों के बावजूद सरकार अपने फैसले पर अड़िग है। विरोध और धरनों के बावजूद वो अग्निपथ के फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब सरकार को कारोबार जगत से भी अग्निपथ पर समर्थन मिल गया है। इसके साथ ही कारोबार जगत ने भरोसा दिया है कि वो अग्निपथ स्कीम के जरिए 4 साल नौकरी करने वाले युवाओं को अपने यहाँ नौकरी का विकल्प देंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके काबिल युवाओं को अपनी कंपनी में नौकरी देने का वादा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अग्निपथ कार्यक्रम को लेकर हुई हिंसा से मैं दुखी हूँ। जब पिछले साल इस स्कीम पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था और मैं दोहराता हूँ कि अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल हासिल करेंगे वो उन्हें प्रमुख तौर पर रोजगार योग्य बना देगा। महिंद्रा ग्रुप ऐसे ट्रेंड सक्षम युवाओं की भर्ती के मौके का स्वागत करता है। आनंद महिंद्रा के अलावा भी कारोबार जगत के कई दिग्गजों ने अग्निपथ स्कीम को अपना समर्थन दिया है। टीवीएस मोटर्स के सुदर्शन वेणु का मानना है कि अग्निवीर भविष्य में देश की वित्तीय तरक्की और समाज को मजबूत करने में बड़ा किरदार निभाएंगे। उद्योगपति सज्जन जिंदल के मुताबिक अनुशासित और शिक्षित अग्निवीर कंपनियों की मजबूती में एक बड़ा रोल अदा करेंगे। उद्योग संगठनों ने FICCI और SHM ने भी सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया है। This would mean a right blend of youth and experience in the armed forces, and this would be a fabulous opportunity for the youth of the country to serve the nation. And once they have stepped out as Agniveers, this would become a great talent pool for the corporations like ours. Yes. Yeah, as a CEO and MD of Hindustan Unilever, I would love to recruit trained, passionate, disciplined and skilled people. अग्निवीरों के महत्व को सबसे पहले पहचानने वालों में वेटरन कारोबारी और भारत फोर्स के मुखिया बाबा कल्याणी भी शामिल हैं। उनके मुताबिक ये एक ऐसा तैयार टैलेंट पूल होगा जिनके इरादे और अनुशासन के साथ ही राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कंपनियों और देश की आर्थिक तरक्की को बढ़ाने में मददगार होगा। उम्मीद है कि कारोबारियों की तरफ से आए इस बयान के बाद दुविधा में फंसे युवाओं के लिए अब समंदर की तरह विकल्पों की भरमार होगी। इससे देश भर में जारी उथल पुथल का माहौल शांत होगा। इसके साथ ही इस महीने के आखिरी हफ्ते में अग्निपथ स्कीम के तहत नियुक्तियों की शुरुआत की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।